आपने उनकी तारीफ में एक जुमला बोलना है मरियम नवाज साहिबा। अली अमीन गंडापुर, इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत साहब को, और इमरान खान, वो तो मुर्शद है, हमारा लीडर है, उस जैसा कोई दूसरा सदियों में ही पैदा होगा। हमने सुना है कि मरियम नवाज साहिबा आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, कुछ टिकटॉकर सोशल मीडिया स्टार उनकी फेवर में वीडियो बना रहे हैं, क्या कहती हैं? हर जगह अदाकारी, ड्रामों में सिर्फ अदाकारी अच्छी लगती है, जब आप किसी अदाकार और किसी जाली वजीर आला के लिए अदाकारी करते हैं तो फिर आवाम का यही रिएक्शन आता है। अजी नागरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद है कवल जोसेफ साहिबा, क्या कहती हैं जी, क्या फैसले की नुयत क्या है, क्या देख रही हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए अगर आईन और कानून पे फैसला करें, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को देखें, स्पिरिट ऑफ जमहूरियत को देखें, आवाम के वोट के तकद्दस को देखें, तो फिर सीटें तो आपको पता है किसकी बनती हैं। जिनको इंडिपेंडेंट ज़बरदस्ती बनाया गया वो पीटीआई है, और एसआईसी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप और अरेंजमेंट, एसआईसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसके तहत हमारे ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट किए हुए जो उम्मीदवार हैं वो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एसआईसी के टैग के नीचे आए हैं, तो सीटें तो पीटीआई की और एसआईसी की बनती है। मिल रही है, एक्सपेक्टेशन मीटिंग क्या है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का काम है हकदार को उसका हक देना, आईन और कानून की सही तशरीह करना, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करना, और जमहूरियत बचाना। ये खाली 78 सीटों का मामला नहीं, आने वाले वक्तों में आईन बचाना है आपने, जमहूरियत बचानी है, और एक नई रिवायत खड़ी करनी है। क्या आप रास्ता खोल देंगे कि जिनके पास वोट नहीं था, आवाम ने जिनको सीटें नहीं दी हैं, आप उनको उठा के रिजर्व सीट्स देंगे, या आप वाकई जो इलेक्शन कमीशन ने गलत इकदाम किया, खुद फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर पंजाब से किसी को सीट्स देनी है तो 4.21 यानी एक पार्टी के पास 4.25, अगर उसके इलेक्टेड मेंबरान आए हैं असेंबली में तो एक रिजर्व सीट की खातून आएगी या एक आपकी माइनॉरिटी से आएगा। आप ऐसी पार्टियों को भी सीटें दे के बैठे हुए जिन्होंने एक सीट भी नहीं जीती है, किस प्रोपोर्शन के तहत आपने दी है? जबरदस्त। ये बताएं, मैं और हम लोग तफरी प्रोग्राम करते थे, उसके लिए हमें एनओसी दरकार होती थी, अब मुझे ये बताएं कि एहतजाज के लिए भी आप एनओसी के बगैर आप एहतजाज नहीं कर सकते, और क्या तारीख क्या, इससे पहले एनओसी बगैर इजाजत के जलसे होते थे, एहतजाज होता था या नहीं? जी लेकिन उससे पहले 9 मई जैसी साजिश नहीं की गई थी ना? 9 मई की मद में हमारे जो 10,000 बच्चे हैं उनको उठा के मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल नहीं किए गए, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां डाल के उनको माँ बाप से एक दफ़ा मिलवाया गया, पूरे साल में माँ बाप तड़पते रहे, ये वाला सलूक नहीं था। जब रियासत डाइन की तरह हो जाए और माँ ना रहे तो फिर आपको एनओसी और लॉस जो है वो इसलिए दिखाने की इनको कोई बहाना ना मिले। अब उस दिन इन्होंने तरनौल में जो सलूक किया है वो बेसिकली तो इन्होंने अपनी अदालत का मजाक उड़ाया ना, तौहीन अदालत की है, अदालत ने डायरेक्शन दी थी, डीसी साहब या जो भी ब्यूरोक्रेसी है अगर वो जो एग्जेक्टिव के अंडर आती है वो अगर आइन और कानून से अपने आप को ऊपर समझना शुरू हो जाए और अदालतों की अहकाम ही ना माने तो आप बताएं कि सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स क्या करें? हमारे लोग तो तैयार थे, हमने तो सिर्फ पब्लिक बेचैन है, ये बहादुरी नहीं, हमें बहादुरी में हमें तो कोई बुजदली नहीं है हमारा। देखे हमने सिर्फ उस वक्त जो चीज़ें हमारे तक पहुंची, एक तो वो इन्होंने रास्ते कॉर्डन ऑफ कर दिए, सारे केपीसी आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए लाहौर, और दूसरी साइड से आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए। दूसरा वहाँ पर इन्होंने जो बहाना बना के कत्ल वारत करना था हमने उससे अपने लोगों को बचाया, लेकिन असल कल्प्रेट तो हुकूमत है जिसने रात के 10:30 बजे चोरों की तरह जाके और कहा कि जी एनओसी कैंसिल हो गया, आपका कोई आएगा तो फिर हम देख लेंगे। सो अब हमारा पूरा प्लानिंग से आएंगे, अब हमें एनओसी देंगे या नहीं देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम आइन का, कानून का और अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमारा सियासी हक है, जो हमारा आइनी हक है, उसके मुताबिक जो भी बनेगा वो फिर अब हम करेंगे। अच्छा, ये बताएं गुज़श्ता 77 साल में हम उस मकाम पर पहुंच गए जो डूब मरने का मकाम है, तो अभी तक आपने देखा कि कोई डूब के मरा एक गिलास पानी में? क्योंकि 77 साल से देखे मैम हम तजल्ली की तरफ जा रहे हैं, तरक्की हमने नहीं की, जिनको हमने बोझ समझ के कंधे से उतारा था यानी बांग्लादेश, वो भी आज हमसे बहुत ज्यादा आगे, क्या कहती है आप? देखिए जी, डूब के मरने के लिए तो चुल्लू पर पानी काफी होता है, यहाँ पर हमारा जो वजीर दिफा है वो पूरी नहर में छलांग मार देता है, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर आपने देखे ना वो सुनते हैं कि कोई शर्म होती है तो कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है? तो जिनके जिनको शर्म हया नहीं होती वही फॉर्म 47 पे बेशर्मी के साथ जाके अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर जूटे वहाँ पर वोट उठा लेते हैं, और वो कहते हैं जी अल्लाह का करम होगा। तो आप ये बताएं, क्या हाथ अगर हम कुरान पाक पे रखते हैं, झूठा हलफ उठाते हैं, तो अल्लाह का करम होता है या नहीं होता, ये जरा बता। अल्लाह का कहर जरूर नाजिल होता है और आवाम का भी गैज़ो गज़ब इन पर आएगा, और ये जो गरीब आवाम पिस रही है इस वक्त, जो बिजली के बिलों से इन्होंने शॉक्स दिए ना लोगों को, करंट दे दे के मार रहे हैं, रोटी उनसे छीन रहे हैं, और उनको सिर्फ चाहते हैं उनको सजा दे रहे हैं,
कि आपके अंदर सियासी शऊर क्यों आ गया, आप सियासत में बात क्यों करते हैं, आपको तो रोटी के लिए बस सारा दिन जलील होना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है कि अवाम को इतना जलील कर दो कि उसको याद ही ना रहे कि कौन हुकूमत कर रहे हैं और क्या सच है और क्या झूठ है। अच्छा ये बताएं मैम, जैसे हमने सुना है कि मरियम नवाज साहिबा आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, कुछ टिकटॉकर सोशल मीडिया स्टार उनकी फेवर में वीडियो बना रहे हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए जी, जिस इंडस्ट्री में वो बेहतरीन काम कर सकती हैं उसी इंडस्ट्री के लोग उन्हें ऑन कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जब ये फॉर्म 47 की हुकूमत इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होगी तो सबसे बेहतरीन शोभा उनके लिए अदाकारी है। अच्छा, जो जिन लोगों ने वीडियोस बनाई थी टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे उन्होंने फौरन उतार दी, आवाम से क्या कहते हैं? मैं जाते खुद मैंने भी वीडियो बनाई थी, आवाम से रिक्वेस्ट की थी कि इन जैसे लोगों को जो पैसे लेके फेवर देते हैं उनको आप अनफॉलो करें और वीडियोस को अनसब्सक्राइब करें, आप क्या कहती हैं? देखिए जी, जो सच होता है ना वो सामने आ जाता है, सोशल मीडिया का ज़माना है और भले इन्होंने आवाम को कोशिश की है कि सारे दिन में एक रोटी के वो मोहताज हो जाए, लेकिन अल्लाह जब एक कौम को शऊर दे देता है फिर वो इंसान नहीं छीन सकते। तो अभी कुछ बेशऊरे हैं जो समझते हैं हर चीज़ पैसे से हो सकती है और हर जगह अदाकारी चल जाती है, लेकिन हर जगह अदाकारी ड्रामों में सिर्फ अदाकारी अच्छी लगती है। वो कहते हैं जब आप किसी अदाकार और किसी जाली वजीर आला के लिए अदाकारी करते हैं तो फिर आवाम का यही रिएक्शन आता है। अच्छा, मैम आपने उनकी तारीफ में एक जुमला बोलना है, मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती है। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे गुलकार हैं, उन्हें वही करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वो गुलकारों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी यही कुछ ही करना चाहिए। पूरा खानदान ही अदाकारों का माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त खानदान है जहाँ से वो आए हुए हैं। मुनाफिक जमात के हेड हैं, बताते कुछ हैं, बोलते हैं मजलूमों के लिए, बात जमहूरियत की करते हैं और कारनामे सारे उनके आपके सामने। इतनी शातर होने के बावजूद भी अगर आवाम के लिए सिवाय जलालत के कुछ नहीं कर सके तो फिर ये शातरपन जो है ना इसको अय्यारी कहते हैं। अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर इंशाल्लाह वक्त पे बताएगा कि गंडापुर क्या होते हैं। शेर अफजल खान मरवत, शेर अफजल मरवत साहब को थोड़ा सा पार्टी के साथ मिलके लगा के टीम वर्क पे जरा जोर देना चाहिए, वन मैन शो सिर्फ इमरान खान। और इमरान खान वो तो मुर्शद है, हमारा लीडर है, उस जैसा कोई दूसरा सदियों में ही पैदा होगा। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।